नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं एवरीथिंग टेक्निकल। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं किस तरह अपने एंड्रॉयड डिवाइस में GTA San Andreas का लाइट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं यार। तो गाइज, सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रही होगी या जो लाल आइकन है उसको क्लिक करना है। उसके बगल में जो बेल आइकन आ जाएगा उस पर भी क्लिक करना है, उससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। इससे ये होगा कि जो भी हमारे चैनल की नई वीडियोज़ आएंगी उससे आप नोटिफाइड रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, और दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे जाके इसे लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए खास है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से भी लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना प्ले स्टोर खोलना होगा, उस पर एक छोटी सी एप्लीकेशन सर्च करनी होगी, जेड आर्चीवर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ही मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं इसे पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। और दोस्तों उसके आप नीचे आके मेगा एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, ये मेगा आपको ये वाला भी इंस्टॉल कर लेना है, मुझे ये ज़रूरत नहीं है, आपका वर्जन एंड्रो है। तो दोस्तों आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र खोलना है, उस पर सर्च करना है व्हाट इज़ द GPU ऑफ जो भी आपका मोबाइल है उसका नाम डाल दीजिएगा दोस्तों। मेरा तो अभी ओप्पो एवन प्लस है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ओप्पो एवन प्लस का GPU है माली, तो माली वर्ज़न है दोस्तों। तो मैं एंड्रो वर्ज़न का भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सैमसंग J7 भी है मुझ पर, मैं उसका ही गेम प्ले आपको दिखा दूंगा। तो सैमसंग J7 दोस्तों, तो दोस्तों सैमसंग J7 का एंड्रो वर्ज़न है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एंड्रो 405 वर्ज़न है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही वर्ज़न के लिए ये वीडियो लाया हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, एंड्रो वर्ज़न के लिए, अगर आपका एंड्रो वर्ज़न है तभी आप मेगा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप माली वर्ज़न है तो मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, गूगल खोलना है, उस पर सर्च करना है एवरीथिंग टेक्निकल ritik.blogspot.com। ये हमारी चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। तो इसे सर्च करने के बाद आपको पहले ही नंबर पर यहाँ पे दिखाई दे जाएगा GTA San Andreas डाउनलोड लाइट वर्जन 300 MB। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स, फीचर्स, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और नीचे आके दोस्तों आपको चार लिंक्स दिखेंगी, दो माली वर्जन के लिए होंगी और दो एंड्रो और टेगरा वर्जन के लिए। तो दोस्तों अगर आपका टेगरा वर्जन भी है तो भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम लोग माली वर्जन को डाउनलोड करते हैं दोस्तों। तो माली वर्जन के APK पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको का पेज ऐसा कुछ खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ वेट 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसके ऐड आ जाएगा दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। स्किप ऐड होने पर दोस्तों ये कुछ इस तरह भी आ सकता है, तो आपको काट के फिर से दोबारा इसको ओपन करना है दोस्तों। दोबारा उस लिंक को ओपन करना है दोस्तों। दोस्तों फिर से ये लिंक ऐसी आ जाएगी, 5 4 3 2 1 0 स्किप ऐड। तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्किप ऐड पर फिर से क्लिक करना होगा। और गाइस यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, अगर आपका ब्राउज़र रिडायरेक्शन प्रोसेस को नहीं सपोर्ट करता है तो आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना होगा, लेकिन मेरा सपोर्ट करता है तो मेरा अपने आप रिडायरेक्ट होने लगा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग एक मीडिया फाइल पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे GTA San Andreas 10.14 MB का होगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों यहाँ से। फिर दोस्तों गाइस फिर आपको वापस चलना है और माली का डाटा है उसे भी ऐसे ही डाउनलोड करना है। अब दोस्तों आती है हमारी एंड्रो टेगरा की। तो दोस्तों उसकी APK फाइल पर आपको लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद प्लीज़ वेट, यहाँ पे भी आपको वैसी ही प्रोसेस है लेकिन इसकी प्रोसेस थोड़ी अलग है दोस्तों। प्लीज़ वेट 3 2 1 0। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको स्किप ऐड कर देना है।
इसकी पैक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेगा डॉट एन जेड। दोस्तों आप पहली बार इस लिंक को खोल रहे होंगे तो आपका मेगा प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो चलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा दोस्तों, तो आपको वापस फिर से चलना होगा। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10.1 MB, लेकिन ये इन एंड्रू गेमर्स ने थोड़ा अलग किया है जो हमारी वर्जन से है। दोस्तों आपको वापस चलना होगा। वापस चल के दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो दूसरी फाइल है डाटा की उस पर क्लिक करना होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से ही आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लीज रेट दिखाई दे रहा है, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड इसके पैड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से इसके पैड पर क्लिक करना होगा। इसके पैड के बाद मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। मेरा प्रोसेस के बाद यहाँ पर 301 MB का रैम आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको फिर क्या करना है, थोड़ा वेट करना है दोस्तों, थोड़ा वेट, थोड़ा ही, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ओपन इन मेगा डाउनलोड विथ मेगा सिंक। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और आप मेगा ऐप पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, और इसमें भी आपको यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करना है, आप इससे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना जेड आर्चीवर ऐप खोलना है, उसमें एंड्रॉयड सर्च करना है दोस्तों। जेड आर्चीवर में एंड्रॉयड में अपनी फाइल को सर्च करना है दोस्तों। तो ये मैंने कर लिया, इसे आपको क्लिक करके ओपन करना है जो डाटा है हम लोगों का। पहले उससे पहले हम लोगों को ये गेम इंस्टॉल करना है, मैं इसे पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ दोस्तों अपने गैलेक्सी 5S J7 में। उसके बाद आपको ये करना है डाटा को व्यू पे, और व्यू के बाद आपको इसी फाइल को कॉपी कर लेना है, कॉपी, और इसे पेस्ट कर देना है एंड्रॉयड OVE में। नहीं करना है दोस्तों, इसे डाटा में करना है, डाटा में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डाटा में, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, SD कार्ड में नहीं करना है दोस्तों, डिवाइस मेमोरी में करना है, और फिर उसमें एंड्रॉयड में डाटा में करना है। OVE में कर दिया तो आपका गेम नहीं चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना है इसे पेस्ट जो यहाँ पे ऊपर है, तो मैं इसे पहले से कर चुका हूँ, तो इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ दोस्तों। कैंसिल करने के बाद दोस्तों अब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों के दिमाग में कि हम अब कैसे चालू करेंगे जो शुरुआती पेज आता है ना दोस्तों गेम में। तो दोस्तों ये वाला पेज, तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है, और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ ऑफलाइन पे क्लिक कर देना है। ऑफलाइन के बाद ये चालू हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इसका लोड वर्जन, लोड गेम शुरू कर लेता हूँ दोस्तों। स्टार्ट गेम पे क्लिक करके दोस्तों मैं इसका लोड वर्जन जो एंड्रो गेमर्स ने दिया है BMX, वो मैं लोड कर लेता हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1 GB 512 GB में इस गेम में 1 GB 512 GB में ये हैक हो सकता है, लैक हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ ये कैसे हैक होगा, लैक होगा, ये गेम कैसे हैंग होगा दोस्तों। ये कुछ इस तरह से चलेगा दोस्तों। तो आप भी सोचेंगे ये गेम बेकार है दोस्तों, खेलो ही मत इसे। लेकिन दोस्तों मैं एक आपके लिए ऐसा ही ट्रिक लाया हूँ जिससे आप बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बिल्कुल अच्छी तरह से इसे खेल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन से जाना होगा। ऑप्शन के बाद दोस्तों यहाँ पर गेम डिस्प्ले सेटअप पर जाना होगा दोस्तों, और डिस्प्ले सेटअप पर रेजोल्यूशन को कम कर देना होगा दोस्तों, और ड्रॉ डिस्टेंस को कम कर देना होगा, और विजुअल इफेक्ट्स को लो कर देना होगा दोस्तों, लो कर देना होगा। और फिर दोस्तों आपको फिर से रिज्यूम कर लेना होगा इस गेम को, रिज्यूम कर लेना होगा दोस्तों इस गेम को। और दोस्तों आप देख सकते हैं रिज्यूम करने के बाद ये कितना स्मूथ चलने लगा है गेम। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना स्मूथ चलने लगा है। अगर आप सोचते हैं अगर मैं इसे ओप्पो A1 Plus में चलाता जिसमें 4 GB रैम है, तो आप भी कहते इसमें तो 4 GB रैम है, इसमें तो कभी कोई गेम ही हैक नहीं होगा, हैंग होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने J7 में चलाया है जिसमें 1.5 MB रैम है। और दोस्तों अगर आपका अभी भी हैक कर रहा है, लैग कर रहा है थोड़ा बहुत, तो आपको रेजोल्यूशन थोड़ी कम कर देना, और ड्रॉ डिस्टेंस भी थोड़ा कम कर दीजिएगा। और दोस्तों इसमें थोड़ा रनिंग में ही लैक आता है, जब हम लोग कोई कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तब कोई लैक नहीं आता, वो बिल्कुल स्मूथ चलती है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, लैग में थोड़ा थोड़ा आपको लग भी रहा होगा लेकिन अभी भी बिल्कुल स्मूथ चलता है दोस्तों। तो दोस्तों अब ये मैंने एक कार ले ली है, जैसे आपने देखा है तो मैंने इसे चलाया दोस्तों, अब देख सकते हैं आप ये कितना स्मूथ चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही वर्ज़न है इसका इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप देखते रहिए कितना स्मूथ चल रहा है ये। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा इसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।